नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज सातवें चरण के मतदान के लिए सुबह से दिखा वोटरों में उत्साह। अगले 4 सालों में बिहार बनेगा मेडिकल कॉलेज का हब। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बिहार की महिलाओं को ऐसे मिलेंगे 1 लाख रुपए। अनलॉक 8 में भी राज्य में डीजे और बारात पर रहेगा प्रतिबंध। महीने के आखिरी जनता दरबार में अफसरों के ऊपर फूटा मुख्यमंत्री का गुस्सा। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। अगले 4 सालों में बिहार बनेगा मेडिकल कॉलेज का हब। बिहार के लोगों को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्हें अपने राज्य में ही बेहतर इलाज मुहैया होंगे। साथ ही साथ मेडिकल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट भी अपने राज्य में ही पढ़ाई कर सकेंगे, क्योंकि आने वाले 4 सालों में बिहार को मेडिकल कॉलेज के हब के रूप में तैयार किया जाना है। इस समय तक में बिहार में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 19 से बढ़कर 30 कर दी जाएगी। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया से हुई खास बातचीत में दी। इस इंटरव्यू सेशन में उन्होंने कहा कि फिलहाल में 19 मेडिकल कॉलेज के अलावे 11 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि पूर्णिया, समस्तीपुर, छपरा, सीवान, सीतामढ़ी, झंझारपुर, महुआ, बेगूसराय, डुमराव, जमुई और भोजपुर में खुलने वाले हैं। इनमें से पूर्णिया, समस्तीपुर और छपरा के मेडिकल कॉलेज अगले 2 साल में शुरू भी हो जाएंगे। हालांकि भोजपुर, डुमराव और बेगूसराय में निविदा का काम हो चुका है, वहां भी जल्द निर्माण कार्य शुरू होंगे। अनलॉक 8 में भी राज्य में डीजे और बारात पर रहेगा प्रतिबंध। बिहार में भले ही कोरोना के मामले कम है, लेकिन बिहार सरकार ने बीते दिन कोरोना की रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसके तहत आने वाले शादी के सीजन में शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रमों जैसे कार्यक्रमों में लोगों की मौजूदगी को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन इस दौरान बारात में नाच गाने और डीजे की अनुमति अभी नहीं दी गई है। साथ ही गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि विवाह की सूचना 3 दिन पहले स्थानीय थाना को देनी होगी। बता दें कि 15 नवंबर को अनलॉक 7 समाप्त हो गया था, अब अनलॉक 8 एक सप्ताह यानी कि 16 से 22 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। जारी गाइडलाइन के मुताबिक ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किए गए हैं। बाकी की गाइडलाइन पहले की तरह ही जारी रहने वाली है। हालांकि लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और टीका लेने की बात जोर देकर कही गई है। आज सातवें चरण के मतदान के लिए सुबह से दिखा वोटरों में उत्साह। सूबे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज सातवें चरण की वोटिंग प्रक्रिया भी शाम 5 बजे के बाद संपन्न हो जाएगी। सातवें चरण के मतदान के लिए बिहार के 37 जिलों के 63 प्रखंडों में 903 पंचायतों में वोटिंग कराई गई। इनमें 3 प्रखंड पटना के भी शामिल है। तो वहीं इस चरण में कुल 1,807 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। बताते चले कि सुबह के 7 बजे से ही राज्य के 12,786 मतदान केंद्रों पर मतदान करने वालों की भीड़ जुटने लगी। वही दोपहर बाद होते होते यह भीड़ थोड़ी कम दिखी। बताते चले कि इस चरण में बिना चुनाव लड़े ही कुल 3,389 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो वहीं आज किए गए मतदान की गिनती 17 और 18 नवंबर को होगी। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाली बिहार की महिलाओं को ऐसे मिलेंगे 1 लाख। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के लिए बिहार सरकार कई योजनाएं खासकर चला रही है, जिसका असर भी दिखा है। मगर अब बिहार सरकार राज्य की लड़कियों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सिविल सेवाओं में करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है, जिसके मुताबिक अब यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली सभी वर्ग की लड़कियों को सरकार 1 लाख रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में डालेंगी। ये रुपए इंसेंटिव के तौर पर लड़कियों को दिए जाएंगे, ताकि प्री के बाद मेंस की तैयारी करने में महिला अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो। यह राशि राज्य के महिला और बाल विकास निगम के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। इसके तहत आवेदन शुरू है। साथ ही आपको बता दें कि जो महिलाएं इस साल यूपीएससी या बीपीएससी प्री परीक्षा को पास कर चुकी हैं, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। बिहार के जवान को पाकिस्तानी महिला को जानकारी देने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। बिहार एटीएस ने बीते दिन भारतीय सेना के एक जवान को पटना के खगौल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जवान गणेश कुमार पर एक पाकिस्तानी महिला जासूस को भारतीय सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी देने का आरोप है। आशंका है कि महिला जासूस ISI से जुड़ी है। बताते चले कि बिहार एटीएस ने यह कार्रवाई IB की रिपोर्ट पर की है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार जवान मूल रूप से नालंदा जिला का निवासी है और वह सेना के मेडिकल टीम का हिस्सा था और पुणे में पोस्टेड था। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार जवान ने पूछताछ में पाकिस्तानी महिला से संबंध की बात की स्वीकार कर लिया है। साथ ही बताया कि 2 साल पहले फेसबुक पर उनकी दोस्ती हुई थी। उक्त महिला जासूस ने सेना के अस्पताल और चिकित्सा व्यवस्था से जुड़ी जानकारी जवान से ली। फिलहाल एटीएस की टीम जवान के मोबाइल फोन का डाटा खंगाल रही है। अब जानेंगे बिहार के मौसम का ताजा हाल। सूबे में इन दिनों पूर्वी हवा का प्रवाह जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में ठंड का असर पछुआ हवा बहने के साथ
बढ़ता है। हालांकि पुरवैया के कारण भी रात के तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति अगले 2-3 दिनों तक बने रहने का पूर्वानुमान जारी है। पूर्वी हवा के प्रवाह से प्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिणी भागों की कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल भी छाए रहने का पूर्वानुमान किया गया है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अभी मौसम के मिजाज में कोई बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है। फिलहाल सुबह और शाम के वक्त ठंड बनी रहेगी, तो वहीं दिन में गुनगुनी धूप से मौसम सुहावना रहेगा। हालांकि अभी कड़ाके की ठंड होने की कोई संभावना नहीं है। छठ खत्म होते ही रिकॉर्ड यात्री हवाई यात्रा से लौटे काम पर। छठ पूजा को लेकर लंबे समय के बाद अपने गांव शहर आए लोग वापस बिहार से लौटने लगे हैं। कई लोग पूजा के अगले दिन ही वापस हो लिए, तो अधिकतर लोग बीते दिन रविवार को अपने कार्यस्थलों की ओर पटना से रवाना हुए। इस दौरान बीते दिन रविवार को रिकॉर्ड यात्री हवाई जहाज की यात्रा करके वापस देश के अलग अलग शहर पहुंचे हैं। आलम यह रहा था कि पटना एयरपोर्ट खचाखच भीड़ से भर गई थी। इस दौरान यहां से 55 फ्लाइटों से कुल 986 यात्री देश के अलग अलग शहरों को गए, या खुद में एक रिकॉर्ड बन गया। आपको बता दें कि इससे पहले पटना से लौटने वाले यात्रियों की अधिकतम संख्या 8,470 रही थी। इस दौरान इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से 5,000 से ज्यादा यात्रियों ने उड़ान भरा। महीने के आखिरी जनता दरबार में अफसरों के ऊपर फूटा मुख्यमंत्री का गुस्सा। आज नवंबर महीने का अंतिम जनता दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें हर बार की तरह सैकड़ों फरियादी राज्य के अलग अलग हिस्से से अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे। आज कुछ ऐसे भी शिकायत आए जिसे सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा सीधे अफसरों पर फूट पड़ा। इनमें से एक ऐसा ही मामला लेकर गोपालगंज के एक युवक ने सीएम नीतीश को बताया कि उसके घर 2013 में बिजली का मीटर लगा है और बिना मीटर जांच करे हर महीने बिजली का बिल आते रहा और उसने पेमेंट भी किया, मगर अब अचानक से उसे 85,000 का बिल आ गया। युवक ने बताया कि उसका बिल बकाया नहीं है, जबकि बिजली विभाग का कहना है कि अब यूनिट पर बिजली बिल लेंगे। इस शिकायत को सुनकर नाराज हुए सीएम नीतीश कुमार ने तुरंत ऊर्जा विभाग के सचिव को फोन लगाकर कहा कि यह कैसे हो रहा, पूरे मामले को देखिए और जिम्मेदार अफसर पर एक्शन लीजिए। समीक्षा बैठक से पहले बिहार में शराबबंदी कानून खत्म करने की उठी मांग। बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को लागू हुए 5 साल हो गए हैं, बावजूद इसके चोरी छिपे शराब पीने वाले और बेचने वालों पर इसका कोई असर जमीनी तौर पर तो नहीं दिखा है। हालांकि राज्य में हाल फिलहाल में कांडों को देखते हुए कल मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भारत में शराब बनाने की कंपनियों के परिसंघ CIABC ने बिहार सरकार से बड़ी मांग कर दी है। बीते दिन परिसंघ ने बयान जारी कर सूबे की NDA सरकार से शराबबंदी समाप्त करने पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। इस दौरान CIABC की तरफ से NDA गठबंधन के नेताओं को लिखे पत्र में कहा गया कि राज्य में अवैध और नकली शराब बिक रहे हैं, इस अवैध धंधे में शामिल अपराध गिरोह का उभार हुआ है और सरकार को भारी राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, इसलिए शराबबंदी को समाप्त करने पर विचार होना चाहिए। लाल किला हिंसा के अभियुक्तों को रुपए देने के फैसले पर भड़के पूर्व डिप्टी सीएम। इस साल 24 जनवरी को दिल्ली में हुए लाल किला हिंसा कांड के अभियुक्तों को पंजाब सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने का फैसला किया है। पंजाब की कांग्रेस सरकार के इस ऐलान पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कड़ी आपत्ति जताई है और एक बार फिर से राजद और कांग्रेस को एक साथ घेरा है। इस मामले को लेकर सुमो ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किया और कहा कि संसद से पारित नए कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर जिन लोगों ने 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किला पर हमला व राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, उनमें से 83 गिरफ्तार अभियुक्तों को 2-2 लाख रुपए देने का पंजाब सरकार का फैसला शर्मनाक और तोड़फोड़ को बढ़ावा देने वाला है। साथ ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि क्या इस मामले को लेकर लालू प्रसाद सोनिया गांधी से फोन पर बात करेंगे। पूर्व कांग्रेस मंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल और जारी रखने की उठाई मांग। कोरोना काल में काम धंधे बंद होने के कारण लोगों को भूखा न रहना पड़े, इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 80 करोड़ लाभार्थियों को अलग से मुफ्त में 5 किलो खाद्यान्न गेहूं चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति के हिसाब से देने का काम किया गया और यह योजना इस महीने के अंत तक ही जारी रहेगी। इसे लेकर पूर्व केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री व कांग्रेस सांसद डॉक्टर अखिलेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को केंद्र सरकार को 1 साल तक और जारी रखना चाहिए, इसको बंद नहीं करना चाहिए, नहीं तो गरीबों के सामने अन्न का संकट उत्पन्न हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दावा करती है कि देश में अनाज की कमी नहीं है, सेंट्रल पूल में भी काफी अनाज है, तब फिर क्यों इस योजना को 30 नवंबर को बंद किया जा रहा है। इसलिए मुफ्त अनाज देने की योजना को केंद्र सरकार को चालू रखना चाहिए।
अगले महीने जारी होगा पटना एयरपोर्ट से उड़ानों का विंटर शेड्यूल। अगले महीने दिसंबर से ठंड बढ़ने के कारण पटना एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ्लाइट्स का नया शेड्यूल जारी होगा। इस दौरान धुंध की वजह से लगभग एक दर्जन फ्लाइटें स्थगित हो सकती हैं। सूत्रों की माने तो इनमें आधा दर्जन फ्लाइटें इंडिगो एयरलाइंस, जबकि बाकी के आधा दर्जन फ्लाइटों में गो एयर और स्पाइस जेट की क्रमशः 3 और 2 फ्लाइटें शामिल होंगी। वहीं एयर इंडिया के भी एक फ्लाइट के रद्द होने की संभावना है। बताते चले कि वर्तमान में पटना से 55 जोड़ी फ्लाइटें परिचालित हो रही है। फ्लाइटों के स्थगित होने के बाद इनकी संख्या घटकर 43 जोड़ी रह जाने की संभावना है। यह संशोधित विंटर शेड्यूल अगले महीने की शुरुआत से लागू हो जाएगा। हालांकि विमानों को 15 दिसंबर के आसपास स्थगित किया जाएगा। इस दौरान धुंध को लेकर सुबह 10 बजे से पहले या फिर रात 8 बजे के बाद आने वाले अधिकतर विमान रद्द रहेंगे। पटना से रांची का सफर हो सकेगा 2 घंटे कम में। बिहार की राजधानी और उसके पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी के बीच का सफर अब 2 घंटे की बचत के साथ हो सकेगा। यह ट्रेन का सफर अले साल मार्च से शुरू होगा। दरअसल रामगढ़ कोडरमा हजारीबाग रांची वया बड़काकना रेल परियोजना में नवनिर्मित रेल लाइन पर मार्च 2022 से रेलगाड़ियां दौड़ने लगेंगी। इस लाइन के चालू होने के बाद रांची से पटना की दूरी घट जाएगी। यह यात्रा 13 घंटे की बजाय 11 घंटे में पूरी हो सकेगी। वहीं रांची मोरी बड़काकना 3 घंटे के बजाय मात्र 1 घंटे में पूरा होगा। फिलहाल इस रूट पर कोडरमा से बड़काकना वया बड़काकना के बीच रेल कनेक्टिविटी हो चुकी है, जबकि रांची की ओर से टाटी सिलवे से सांकी तक पैसेंजर ट्रेन चल चुकी है। पटना रांची के बीच जो सुरंगें बनाई गई हैं उनमें टनल 1 सिद्धवार 600 मीटर, हेहल 1080 मीटर और बारीडीह 600 मीटर लंबी है। इस रूट पर 3 सुरंगों का काम पूरा हो चुका है, जबकि चौथे पर काम चल रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा, पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं अपना वादा। बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से त्रिपुरा के 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को पीएम आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी की और करीब 700 करोड़ रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे गए। इस योजना को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री की खूब सराहना की। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम ने जो सबका साथ सबका विकास और सबका आवास देने का वादा किया उसे पूरा किया जा रहा है। साथ ही पहले के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1985 से 2014 तक मात्र 3,85,00,000 लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया था, लेकिन मोदी के शासनकाल में अब तक 3,70,00,000 लोगों को आवास दिया गया है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जूते में बियर पीकर मनाया जश्न। बीते दिन आईसीसी टी20 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया। इस जीत को लेकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह भरा हुआ है। जीत के बाद टीम के खिलाड़ियों का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोइनिस ने अहम पारी खेली थी, जिसके बाद जीत के बाद ये दोनों ही खिलाड़ी अजीब तरह से जश्न मनाते नजर आए। वेड ने अपने जूते में ड्रिंक डालकर पी तो वहीं उसके पीछे पीछे स्टोइनिस भी उसी तरह से जीत का जश्न मनाते नजर आए। टीम ड्रेसिंग रूम में इस तरह से जश्न मनाने का वीडियो आईसीसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से इसे खूब देखा जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में कोरोना के मामले कम होने के बावजूद शादी ब्याह में बारात या डीजे पर प्रतिबंध लगाना सही है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।